तो भाई देख सकते हो इतना भयंकर जंगल में हम लोग आए हैं भाई। तो दोस्तों देख सकते हो ये कोई जानवर इसको मार दिया है, लगता है शेर वेर तो नहीं मारा होगा, लेकिन यहाँ से तो गिर के मारा हुआ है। ये देखो अब ये मर चुका है और काफ़ी डर भी लग रहा है हमको अभी। हेलो दोस्तों, नमस्कार, कैसे हो आप लोग? तो भाई अभी हम लोग भाई खाना वाना खा लिए हैं और खाना वाना खा के रेडी हो गए हैं, क्योंकि भाई अभी ये साथ में क्या करे हैं, हंसिया लिए हुए हैं। बांका क्या हो गया? बांका भी ले लो, भून लो। तो अभी भाई हम सभी लोग साफ सुथरा कर दिए हैं इसको, पूरा जितना भी कबाड़ था इससे निकाल दिए हैं, बस झाड़ू लगाना है। तो चलो बांका वाका ढूंढो। तो अभी भाई हमारे बच्चा देखो ढांका हुआ है, तो अभी इधर ये देखो अंदर हैं, धूप में इनको पत्ती उत्ती दे दिया हम खाने के लिए। और तो भाई अभी हम लोग निकल पड़े हैं और भाई जंगल की तरफ, क्योंकि हमें सरपत भी काटना है, सड़कन भी काटना है, तो कहाँ मिलेगा हमें भी नहीं पता है, क्योंकि ये जो रखा हुआ है ये किसी का है, इसमें नहीं मतलब काटने देंगे ना। तो अभी देख सकते हो दोस्तों आलू कितना अच्छा बोया है और हरा भरा है अभी पूरा, इसमें पार हो जाते हैं। बचा के आना, बचा के, तार है, आराम से आना, आराम से। हाँ ये जानवरों के लिए बांधा है, क्योंकि इसमें ना और इसमें गाय बहुत चरती हैं भाई, इसीलिए चारों तरफ अभी तार बांध के रखे हैं पूरे जंगल भर में। बचा के आना। अरे अरे भाई बहुत मुश्किल है चलना, क्योंकि भाई थोड़ा थोड़ा हम लोग बचा बचा के जा रहे हैं और यहाँ दूर भी है, नज़दीक नहीं है, और हम लोग लगभग 2 किलोमीटर आगे हैं। और अभी किस तरह मेड़ों पर की जा रहे हैं, हम लोग गिर ना जाएं इस पर, तभी चारों तरफ तार बांधा हुआ है। अभी हमारा गांव बहुत दूर दिख रहा होगा और भाई ये जो बड़ा सा बरगद पेड़ है उसकी कहीं दूर है, और अभी कहाँ जाना होगा कहीं दिख नहीं रहा सड़कन। और भाई नहर कितना तेज बह रहा है, तो उस मिले ना सर पर, चलो थोड़ा और जाएंगे आगे। हैं थक गए इतने दूर आओ तो, चलो देखो थोड़ा और बढ़ के देखा जाए। हाँ तो अभी देख सकते हो भाई, तो मिले ही बाद में देखा जाए। बच के आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, गिरोगी नहीं। तो भाई ऐसी सी जगह आना पड़ रहा है आज, फटाफट आ जाओ, फटाफट आ जाओ। तो भाई हम लोग बहुत दूर आ गए। तो दोस्तों देख सकते हो ये कोई जानवर इसको मार दिया है, लगता है शेर वेर तो नहीं मारा होगा, लेकिन यहाँ से तो गिर के मारा हुआ है। ये देखो अब ये मर चुका है और काफ़ी डर भी लग रहा है हमको, अभी देख सकते हो कितना भयंकर है। तो बात चलो फटाफट काटते हैं। तो दोस्तों अभी सूखा सूखा बांध लिए थे सड़कन सड़कन, ताकि उतनी दूर से लाने में हमें आसान हो, और बहुत दूर पड़ जाता था इसलिए भाई थक गए काफ़ी। तो इतनी दूर से ऐसे 4-5 दिन जाएंगे तो थोड़ा थोड़ा करके ढेर इकट्ठा कर लेंगे सड़कन को, और इसी से हम अपना छपरा और जो भी बकरियों का फार्म है सब कुछ इसी सबसे बना देंगे दोस्तों, ताकि हमारा अच्छे से रहने के लिए हो जाए। झाड़ू मार रहे हो? तो अभी प्रिंस झाड़ू मार रहा है भाई अंदर बकरियों के अंदर, क्योंकि साफ सुथरा कर रहा है। अच्छे से बाहर दे, भाई अच्छे से इसमें तेल में फ्राई करने जा रहे हैं मटर को, है ना। और ये भाई चावल धो लिए हैं और ये सारा सामान धो लिए हैं, तो ये भगोना बना रहे हैं। हाँ वही भर। तो भाई इसमें पानी ज़्यादा,
बाबा जी से। तो भाई ये मसाला अच्छे से डाल रहे हैं। इनको भी खिला रही हूँ, खिला दो खिला दो खिला दो, ये भी जरूरी है। तो भाई अभी अच्छे से भूज रहे हैं। तो हाँ जी, अभी ये डाल रही हैं चावल। दोस्तों फाइनली अभी सारे लोग आ गए हैं और अभी खाना वाना निकाल के भाई रख दिए हैं। अभी ठंडा हो गया खाना क्योंकि लोग काम करने गए थे, हाथ पैर धोने गए थे। तो दोस्तों खाना बना चलते हैं, खाते हैं और चेक करके बताइए भाई कैसा खाना बना है। चलो चेक करो, चेक करो, चेक करो। तो भाई बहुत अच्छा बना है, खिचड़ी बनी हुई बहुत मस्त बना है। लेकिन होगा हो तो माठा होगा, मटर मटर हुआ था। तो भाई मटर नहीं था, दो मटर पड़ा हुआ था, उसी को डाल दिए हैं बस, और गोभी डाल दिए, आलू चावल सारा कुछ डाल के अभी बन गया है। तो दोस्तों हम लोग खाते हैं और आप लोगों को भाई वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।